नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे आपके साथ मिलकर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके शोध का। साथ ही साथ आप जो मुझे इस प्रकार से देख रहे हैं या समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी मैं एक अध्ययन करने की आवश्यकता समझती हूँ। इसलिए मान लीजिए कि मैं सोच रही हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा, क्या हो सकता है? मैं सोच रही हूँ कि ई लर्निंग तो नहीं अच्छी है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा हो, तो इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे? तो हमारी जो समस्या है आज की, वो क्या है? ई अधिगम की प्रभावशीलता का अध्ययन। बहुत सारे लोग इस पर रिसर्च कर चुके होंगे, लेकिन मैं अपने एज अ टीचर एक अध्ययन करने की आवश्यकता समझती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक समस्या है जिसका हमें समाधान खोजना है, तो इसी समाधान का ही ऐसी टॉपिक है। जिस विधि से हम इस शोध को कर सकते हैं वो है आपका प्रयोगात्मक शोध, और उसके अंतर्गत हम सरल, जो सरलतम विधि है जिस विधि से आप कर सकते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, रिसर्च को जानना बहुत ही ब्रॉड है। अगर आप कोशिश करते हैं रिसर्च को समझने की, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके इधर उधर से आए रहते हैं, लेकिन हम उसको सरलतम विधि से अगर सीखें तो हम उसके कॉन्सेप्ट को या जड़ को जान लेते हैं। जैसे बीज को पकड़ना ज़्यादा आसान है पूरे पेड़ को उठाने की अपेक्षा, लेकिन बीज को बोना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, तब जाके वो पेड़ बनेगा। तो तुरंत आउटकम तो आपको नहीं मिलता, लेकिन बेस अगर आपको नहीं पता है तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं एक मेथड से आपको पढ़ाना चाहती हूँ, और मैं क्या देखना चाहती हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आप ई लर्निंग करते हैं मेरे द्वारा, वो प्रभावशाली है कि नहीं। तो हम, अगर हमें ये शोध समस्या मिले तो हमें ये कहा जाए कि एक्सपेरिमेंटल विधि से आपको इस अध्ययन को करना है। तो हम जो आज टॉपिक जिस पर अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक का, वो है प्रयोगात्मक शोध विधि। कोई भी समस्या हो आप इस विधि से कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। इसके जनक जो माने जाते हैं या जिन्होंने सबसे पहले इसकी बात कही या इस पर एक्सपेरिमेंटल उन्होंने स्टडी करी, वो है स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। उनकी देन है कि वो शोध के क्षेत्र में ये प्रयोगात्मक विधि आई। देखिए, प्रयोगशाला आप जानते हैं, अगर प्रयोगशाला समझते हैं तो आपको इस विधि को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम जैसे किताब में कुछ पढ़ते हैं कि ये चीज़ें करिए तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे चुंबक है तो उसको अगर तोड़ दीजिए तो उसके दो पोल हो जाते हैं, और वो क्या सेम पे रिपल्स करता है और अपोजिट पे अट्रैक्ट करता है। तो ये हमने किताब पे पढ़ा। तो जब प्रयोगशाला में जाएंगे तो क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि ऐसा होता है या नहीं। ज्ञान के जांच के लिए अक्सर प्रयोगशाला विधि से हम पढ़ते या प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला मतलब जहाँ पे प्रयोग की जाए ऐसी शाला, जैसे घुड़शाला है तो घोड़ों के रहने का स्थान, तो प्रयोग जहाँ करते हैं वह होती है प्रयोगशाला। तो पहले चीज जो कंडीशन है, क्या एक प्रयोगशाला होनी चाहिए प्रयोगशाला विधि में, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, हम जो बाह्य चर है उसको नियंत्रित कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं प्रयोग, वो प्रयोग क्या क्या करता है, ज्ञान की जांच करता है। कभी इसी ज्ञान को जांच करने में नई चीजें निकल आती हैं, है ना। जैसे रेडियम की खोज हुई थी और बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई थी, तो आप यहाँ जानते रहिए कि सबसे पहला अध्ययन तो जो हम करते हैं प्रयोगशाला विधि से, वो होती है कि किसी ज्ञान की जो अपने किताबों में पढ़ा उसकी जांच करना, और जांच करने के दौरान अक्सर नई चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन जब हम शोध विधि की बात करें तो अक्सर नए ज्ञान की प्राप्ति, पूर्व ज्ञान की जांच, या एक प्रभावशीलता का किसी का अध्ययन या तुलनात्मक अध्ययन, तो बहुत सारे प्रकार के अध्ययन इस विधि से किए जा सकते हैं, और बहुत ही रिलायबल ये मेथड होता है अन्य की अपेक्षा। क्यों? जो आपका मौलिक शोध होता है, बेसिक, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य एकदम नवीन ज्ञान का सृजन होता है, उस शोध में ये विधि अक्सर अपनाई जाती है। जैसे पावलाव का एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने भी एक शाला ली थी प्रयोग की, जिसमें कुत्ते को बांध दिया था और एक्सपेरिमेंट किया था घंटी का, भोजन का। तो क्या किया था उन्होंने, एक साउंड प्रूफ आपका एक शाला ली थी, है ना।
जिसमें बाहर कोई आवाज ना आए, पता चला उसी समय कोई वाहन जा रहा हो और कुत्ते कुत्ता ये समझ ले कि नहीं उस वाहन के आने पर ही हमें भोजन मिलता है, तो ऐसा कोई बाहर इफेक्ट ना करे, इसलिए क्या करते थे वो प्रयोगशाला में प्रयोग करते। लेकिन यह विधि जो है जरूरी नहीं कि आप एक्सपेरिमेंटल लैब में ही करें, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसको आप क्या करते हैं एकदम नियंत्रित कर लेते हैं। इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यह एक ऐसी विधि है जो आपके नियंत्रित वातावरण में होती। इसमें जो होता है बाह्यचर उसके प्रभाव को नगण्य सबसे कम कर दिया जाता है। अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो जो प्रयोगशाला विधि अपनाई है उसमें एकदम नगण्य कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो व्यवहारिक विज्ञान है उसमें अक्सर चीज़ें इफेक्ट करती है। जैसे बच्चे भी अध्ययन करें तो आप उसकी अनुवांशिकता तो चेंज कर नहीं सकते, कोई ऐसा गुण जो उसके माता पिता का हो उसमें आगे तो चेंज कर नहीं सकते, तो वो चीज़ें बाह्यचर की तरह आप कास्ट बाहरी इफेक्ट जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बाह्यचर कर। दूसरा उसका टर्म होता है क्या स्वतंत्र। अब ये स्वतंत्र कौन है, ये शोध करता स्वतंत्र है कि उस चीज में बढ़ा घटा सके। अगर आप कोई चीज हटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं तो उस चर को उस वेरिएबल को स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। फिर आपका एक होता है आश्रित या परतंत्र चर। इसमें जब हेर फेर करते हैं तो जिसका प्रभाव देखते हैं उसको आप क्या कहते हैं आश्रित चर, मतलब इसके हेर फेर से इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये प्रयोगात्मक में नहीं हर जगह होता है, मैंने जब आपको चर पढ़ा है आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा कि चर मैंने आपको टोटली बताया था कि कितने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम इसमें यूज करेंगे तो यहाँ मेरा कर्तव्य है कि आपको बता दो पहले से कि किन किन वेरिएबल्स को यहाँ पे लिया जाता है। बाह्य चर को तो आप नियंत्रित कर देंगे तभी जाके आपकी प्रयोगशाला विधि हो सकती है, प्रयोगात्मक शोध विधि हो सकती है। फिर स्वतंत्र चर आपका होता है राशि, दो बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा इसमें ठीक है, इसके अलावा आपका हस्तक्षेपी चर होता है जो बीच में हस्तक्षेप करता है। तो हम क्या करते हैं इसको भी कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, इसको कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे, जैसे मतलब विभिन्न आपके आप आईक्यू वाले हैं, किसी के 80 है किसी 140, हमें अध्ययन करना है ई लर्निंग की प्रभावशीलता, पता चला कि आपकी आईक्यू बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आता हो कम वाले को कम, और अध्ययन किया आप पे कर दिया तो ज़्यादा आ गया और उन पे कर दिया तो कम आ गया, तो हम क्या करेंगे उस चर को कंट्रोल कर लेंगे। हम पहले क्या करेंगे आईक्यू टेस्ट कराएंगे कि एक जैसा समूह दो समूह लेंगे, एक जैसे दो समूह मतलब एवरेज निकालेंगे दो ग्रुप का जिनकी आईक्यू क्या लगभग समान, तो उसमें कोई ज्यादा कम होगा तो आप में भी तो कोई ज्यादा कम होगा तब ना बैलेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 और 3 है तो यहाँ 5 और 2 कर दीजिए तो 2 आपके ग्रुप बराबर बराबर हुए कि नहीं 7-7 के। तो इसी प्रकार क्या करते हैं हम जो जो हस्तक्षेपी या मध्यवर्ती चर होते हम उनको क्या करते हैं कंट्रोल कर लेते। ये तो हुई बात चर की जो प्रयोगशाला विधि में यूज होता है। अब देखिए हमें अध्ययन करना है क्या कि ये अधिगम आपके लिए प्रभावशाली है कि नहीं, पता चला प्रभावशाली नहीं है और हम उसी मेथड से पढ़ाए जा रहे हैं, या बहुत प्रभावशाली है हम आपको कम वीडियोस दे रहे हैं, तो अध्ययन करना तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि आप प्रभावशाली है कि नहीं। ठीक है आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आपको क्या लगता है, और लगने से कुछ नहीं होता, या मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उसके लिए आपको 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे और उसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड से शोध करना हो। लेकिन यहाँ देखिए आप नियंत्रित वातावरण जो करते हैं तो इसमें हम पहले क्या करेंगे एक कोई जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है प्रयोगात्मक विधि में वो एक टेक्निक आप लेते हैं उसको कहते हैं पूर्वपश्य विधि, प्री पोर्ट परीक्षण विधि। जनरली सामान्यतः अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसी विधि से करते हैं कि तब जब प्रयोगात्मक शोध विधि आपकी होती है। अब देखिए हम देखना चाहते हैं कि ई लर्निंग आपके लिए प्रभावशाली है कि नहीं, तो कोई मानता को है कोई मानता है नहीं, तो मानने पर जाएंगे तो क्या पता हो सकता है कि न मानने वाला किसी दूसरे चैनल का मेंबर हो या मानने वाला हमारे घर का हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर पक्षपात करेंगे सैंपल लेने में तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आपको एक वैज्ञानिक तरीके से शोध करना है, उसमें आप क्या करेंगे ज्यादातर अच्छा क्या होगा रैंडम सैंपलिंग या प्रसंभावित प्रतिचयन करें कि रैंडमली आप चूज करें। तो 2 ग्रुप हम बनाते हैं, एक क्या होता है
प्रयोगात्मक समूह और दूसरा क्या होता है नियंत्रित। अब हमें देखते हैं कि ये प्रभावशाली है कि नहीं, तो हम अध्ययन करेंगे प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित समूह पर। प्रयोगात्मक समूह पर जब जो हम निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे, अब किसी को भी उठा लेंगे और इसको कह देंगे चलो तुम प्रयोगात्मक में चल जाओ तुम नियंत्रित में। तो प्रयोगात्मक में हम क्या करेंगे, जो उपचार देंगे जो ट्रीटमेंट करेंगे वो ई लर्निंग होगा, और इसमें क्या होगा ट्रेडिशनल, जैसे क्लासरूम आपका हुआ, यहाँ क्या हुआ क्लासरूम है और यहाँ क्या है ई लर्निंग। तो प्रयोग में तो ई लर्निंग करेंगे ना प्रयोगात्मक विधि, और नियंत्रित क्या जनरली हम किस पे इफेक्ट देख रहे हैं, मतलब जो जनरल चल रहा है, तो जैसे आप कक्षाओं में पढ़ते वही मेथड हम ले लेंगे। तो हमें देखना कि दोनों को की प्रभावशीलता किसकी ज़्यादा है, अगर इसकी ज़्यादा निकली तो हमारा पता चल जाएगा कि हमारा परिकल्पना रहेगी कि हाँ ये प्रभावशाली है या नहीं, या इसकी रहेगी तो हम कह देंगे नहीं ये प्रभावशाली नहीं है। तो हम दो समूह बनाते हैं इसमें प्रयोगात्मक और नियंत्रित। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिए, हम मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं 60 बच्चों पे, तो हमने लिया 30-30 बच्चे, लेकिन कैसे दो समूह जितने इसमें रहेंगे उतने इसमें रहेंगे। हम लेंगे जो बच्चे पहले उन पे आईक्यू टेस्ट कराएंगे, तो एवरेज निकालेंगे मध्यमान, तो दो ग्रुप जो बनाएंगे इनके जो मीन और मीडियन या आप देख लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन SD, मीन और SD से क्या करेंगे इनको दो ग्रुप में बांट देंगे। कैसे, किसके मीन और SD, मान लीजिए IQ देखना है IQ पे कर सकते हैं, या शिक्षण के प्रति आपके अभिवृत्ति उसका देख सकते हैं कि किस प्रकार की, किसी भी जिसको हमें नियंत्रित करना हो, मतलब जो आपका मध्यवर्ती या हस्तक्षेप चर है उनको नियंत्रित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले से एक टेस्ट करेंगे प्री टेस्ट जिसको बोलेंगे, कि पूर्व ज्ञान जानने के लिए या पूर्व में आपके ग्रुप डिवाइड करने के लिए। तो हमने डिवाइड किया मीन मीडियम से दो समान ग्रुप, लगभग समान जिसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना हो, दो समान ग्रुप हमने बना लिए। एक पे क्या करेंगे यहाँ पे आप ट्रीटमेंट देंगे या उपचार देंगे, इनको जो यहाँ पर 30 बच्चे हैं इनको हम ई लर्निंग से पढ़ाएंगे, और जो यहाँ 30 बच्चे हैं इनको हम क्लासरूम में पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद हम पोस्ट टेस्ट मतलब उत्तर परीक्षण देंगे, पश्च परीक्षण, और पोस्ट टेस्ट में क्या करेंगे आप देखेंगे किनका आपका स्कोर ज़्यादा है। अगर इस समूह का ज़्यादा है तो आप ये कहेंगे कि प्रयोगात्मक विधि नहीं, यहाँ जो ई लर्निंग है वो प्रभावशाली, और अगर इनका ज़्यादा होगा तो आप कहेंगे नहीं ई लर्निंग प्रभावशाली नहीं है, इससे अच्छी तो ट्रेडिशनली चल रही। या अगर दोनों लगभग समान होगा तो आप कहेंगे कि दोनों एक ही जैसे हैं, चाहे उससे पढ़ाओ या उससे पढ़ाओ। तो ये जो आपने मेथड यूज किया इसी को कहेंगे एक्सपेरिमेंटल मोड में किसी रिसर्च को करना। जब भी हम एक नियंत्रित वातावरण में किसी ज्ञान की जाँच या नवीन ज्ञान के खोज या आपके तुलनात्मक अध्ययन या प्रभावशीलता के अध्ययन को करने का प्रयास करते हैं तो हम अक्सर ऐसे विधि को यूज करते हैं, इसे कहते हैं प्रयोगात्मक शोध विधि। अब आप दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या होता है प्रयोगात्मक शोध विधि। प्रयोगात्मक शोध में हम प्रयोग करते हैं कि आपका अभिक्रमित अनुदेशन अच्छा पढ़ाता है कि नहीं, अच्छा उससे शिक्षण होता है नहीं, या जो आपके वातावरण है उसमें प्रजातांत्रिक वातावरण आपका अच्छा है या आपका जो आपका स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न आपके वेरिएबल्स जो रहते हैं आश्रित और स्वतंत्र चर, इसमें आप स्वतंत्र में मैनिपुलेशन करके आश्रित पे प्रभाव डालते हैं। जैसे मैनिपुलेशन यहाँ क्या किया, आपने जो उपचार दिया या ई लर्निंग दिया, यहाँ ट्रेडिशनल दिया, तो आपने प्रभाव क्या देखा, फिर पोस्ट टेस्ट करेंगे पश्च परीक्षण, ठीक, पश्च परीक्षण में जो स्कोर होगा फिर आप उसका मेन मीडियम निकाल के फिर क्या करेंगे देखेंगे कि किसका ज़्यादा है किसका नहीं। तो आप उसके बाद फिर स्टैटिक्स लगाते हैं कि हाँ टी टेस्ट लगा दिया कि हाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। मैंने आपको सब बताया परिकल्पना कैसे परीक्षण की जाती है वो सब चीज़ें अलग, लेकिन हमें बस जनरली यहाँ मेथड देखना है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या है। अब आप ये समझिए कि इसमें आपकी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो इनको प्रभावित कर सकती हैं, उसे कहते हैं आंतरिक या बाह्य वैधता, आंतरिक या बाह्य
वैधता पूछता है ये प्रश्न, आंतरिक वैधता या बाह्य वैधता। आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता अगर आपको जाननी है किसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, तो बस दो लाइन आपको याद रखनी है। ऐसी चीजें जो बाह्य चर के प्रभाव को खत्म करते, मतलब कोई एक्सटर्नल वेरिएबल इफेक्ट ना कर पाए, ऐसे आपकी वैधता, आपकी आंतरिक वैधता कहलाएगी। और जो सामान्यीकरण अर्थात जो आपका रिजल्ट निकला उसको सामान्यीकृत करने में जो चीजें आपकी वैधता के रूप में दिखेंगे उसको कहेंगे बाह्य वैधता। मतलब आप बीच में क्या कर रहे हैं, अंदर क्या आ रहा है, अंदर क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, या एक्सपेरिमेंटल के एक्सपेरिमेंट के दौरान जो चीज़ें आएंगी वो आपकी आंतरिक वैधता होगी, और जो एक्सपेरिमेंटल के रिजल्ट को पॉपुलेशन पे जनरलाइज करने के लिए यूज़ होंगी या जो आपकी जनसंख्या उस पर सामान्यीकृत करने के लिए यूज़ होंगी वो सारी आपकी बाह्य वैधता कहलाएंगे। वैधता आप जानते हैं, जैसे वैलिडिटी आपकी सिम की होती है, तो कहते हैं कि आज 15 तारीख लास्ट डेट है आपकी वैलिडिटी का, तो 15 तारीख के बाद वो काम नहीं करती। तो वैधता जो आपकी डिफिनेशन होती है वो होती है कि किसी चीज़ का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया है वो उसी चीज़ को मापे। जैसे IQ टेस्ट में आप मैथ के क्वेश्चन रख देंगे, बाई चांस की मैथ उसकी कमज़ोर है लेकिन IQ कमज़ोर है ज़रूरी नहीं है, या आपको रुचि देखनी है आप उसमें रीजनिंग लगा दे रहे हैं। तो ऐसी वैधता मतलब वो सीमा जिस कोई चीज़ अगर एक्सपेरिमेंट है वो उसी सीमा तक वही नापे जिसके लिए उसका निर्माण किया गया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, वैधता दो प्रकार से देखते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही है तो कहेगा आंतरिक रूप से वैध, और जब रिजल्ट निकल गया और सामान्यीकृत करने में अगर कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही जिस चीज़ के लिए उसका निर्माण हुआ था या जो आउटकम निकले हैं जिस उद्देश्य से वहीं वो जनरलाइज करें तो कहेंगे ये बाह्य रूप से वैध। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है शोध का, और आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको करना चाहिए, और इसके जो रिजल्ट निकलते हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि एक आप कंट्रोल आप एटमॉस्फेयर में इसको यूज़ करते हैं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप प्रिपरेशन अपनी करते रहिए, जो समस्याएं हैं हम तक पहुंचाते रहिए, हमें प्रतिपुष्टि देते रहिए, और जो कमियां हैं हम पूरा पूरा सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में भी जो आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे उस पर पर्टिकुलर अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगी।